इस संसार में चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सबको कुछ न कुछ डर रहता है अपने पद के चले जाने का। कुछ को अपने मान सम्मान जाने का डर रहता है। मैंने सारा जीवन अच्छा सुंदर जीवन यापन करके चरित्रवान बना हूँ, मेरी समाज के अंदर बहुत कीर्ति है, मेरा बहुत नेम एंड फेम है, सुनाम है, मैंने बहुत प्रसिद्धि अर्जन की है, किंतु कहीं मेरे जीवन में कोई कलंक ना आ जाए, मेरे जीवन में कोई बदनाम ना हो जाए, मेरे चरित्र पर कोई दाग ना लग जाए, इसलिए हर आदमी भयभीत है। मृत्यु का भय तो हर किसी के ऊपर सवार है, हर कोई मृत्यु से डरता रहता है, कहीं मेरी मौत ना आ जाए, किसी भी समय मैं मर ना जाऊं। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीना चाहते हैं, मृत्यु का भय बहुत बड़ा भय है। कंस के जीवन में एक ही सबसे बड़ा भय था, मृत्यु। वो भगवान कृष्ण को जो है मृत्यु के रूप में देख रहा है, क्योंकि जब कंस की बहन देवकी, उसकी जब शादी हुई थी, शादी के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का अष्टम पुत्र कंस तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। हे कंस, ये देवकी का जो अष्टम पुत्र होने वाला है, आठवां पुत्र होने वाला है, ये तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। उसी दिन से उसके अंदर भय सवार हो गया। देवकी का पुत्र होगा और मेरी मृत्यु होगी, देवकी का आठवां पुत्र मुझे मारेगा, मृत्यु का भय उसके ऊपर सवार है। हमेशा वो कृष्ण का चिंतन कर रहा है। सबसे अच्छी बात है कि उसको मृत्यु का भय जो हुआ है वो भगवान से हुआ है, कृष्ण से हुआ है, कहीं चीज दूसरी वस्तु से नहीं हुआ, इसलिए उसको मुक्ति की प्राप्ति हो गई। भगवान का भजन किसी भी प्रकार से किया जाए, चाहे प्रेम से किया जाए, चाहे भय से किया जाए, चाहे शत्रुता से किया जाए, किसी भी तरह से भगवान में मन का निवेश होना चाहिए, भगवान से मन जुड़ना चाहिए, हमारा मन भगवान के चरणों में लगना चाहिए। यदि हम प्रेम से भगवान का भजन करेंगे उसका फल बहुत ज़्यादा मिलेगा, यदि हम डर से भगवान का भजन करेंगे उसका फल थोड़ा कम मिलेगा, यदि हम कामना वासना से भगवान का भजन करेंगे तो उसका और फल कम मिलता है। इस प्रकार जो है इस संसार में हर जीव डरा हुआ है। गीता में बोला है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोना दर्शनम। इस संसार में जितने भी भय हैं उसमें सबसे बड़े भय चार हैं, जन्म का भय, मृत्यु का भय, बूढ़ा होने का भय और बीमार होने का भय। ये चार भय जो है संसार में प्रत्येक जीव के सिर पर सवार हैं। जब हमारा जन्म होता है उस समय हम लोग को भय रहता है। क्या भय रहता है? क्या मैं मनुष्य बन पाऊंगा? क्या मैं कहीं कोई पशु पक्षी योनि में तो न चला जाऊं? इस तरह जन्म हमारे हाथ में नहीं है, और जन्म के समय जीव को बहुत पीड़ा होती है। जब उसका जन्म होता है, गर्भ के अंदर हम रहते तब भी बहुत यंत्रणा भोग करनी पड़ती है, जन्म होता है उस समय बहुत पीड़ा होती है। इस प्रकार जो है ये जन्म जो है सबसे बड़ी समस्या है मानव जीवन की, बहुत बड़ा भय है। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है फिर भी बुढ़ापा आ जाता है, ये बुढ़ापा जो है ये बहुत बड़ा भय है। और बीमारी, कोई बीमार होना नहीं चाहता है फिर भी बीमारी आ जाती है। इस प्रकार जो है प्रत्येक जीव के जीवन में कुछ न कुछ भय बना हुआ है। कोई रूप के चले जाने से डर रहा है, कोई ऐश्वर्य चले जाने से डर रहा है, कोई अपना भोग चले जाने से डर रहा है, जीवन में इतना भोग मुझे प्राप्त है, इतना अच्छा गाड़ी बाड़ी बंगला सब कुछ मेरे अनुकूल है, कहीं एक दिन मेरे हाथ से छूट तो नहीं जाएगा। इसलिए भागवत में बताया गया कि इस भय का कारण क्या है, उसकी गहराई में जाना है। क्यों भय हमारे जीवन में आ रहा है, क्यों हमारा जीवन निर्भय नहीं हो पा रहा है? भयम द्वितीय अभिनिवेशत स्यात् ईशात अपतस्य विपर्य स्मृति। भागवत में बोला है कि भय का मेन कारण जो है भगवान का विस्मरण। हम भगवान को जो भूल जाते हैं, भगवान के निकट में जो उनकी माया खड़ी है, उस माया के प्रति जब हमारा आकर्षण हो जाता है, वही हमारे भय का मूल कारण है।
इसलिए जो है यदि हम निर्भय होना चाहते हैं, यदि हम निडर होना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा, निरंतर भगवान का स्मरण करना होगा, निरंतर भगवान का सुमिरन करना होगा, भगवान का चिंतन करना होगा। जिनके अंदर डर नहीं है, जो निर्भय रहते हैं, उनकी शरण में जाना होगा। इसलिए जो है भागवत जी हमको बता रही है कि हम निर्भय होना चाहते हैं, निडर होना चाहते हैं, सारा जीवन निर्भीक जीवन जीना चाहते हैं, हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना होगा, भगवान कृष्ण का स्मरण करना होगा, निरंतर उनका नाम जप करना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ही हमको निर्भय कर सकते हैं, ये भागवत की शिक्षा है।